हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, डोरिस ब्लॉग्स में। और मैं अपना ब्लॉग आज सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30, और मैं अभी बेडशीट वगैरह सारा चेंज कर लूँगी, क्योंकि हम लोग घर गए थे, रूम वगैरह सारा बंद था, तो यहाँ पे धूल 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 मिट्टी से सब जम गया है। तो मैं सारा डस्टर वगैरह करने के बाद ये मैंने बेडशीट वगैरह सारा चेंज कर लूँगी, अभी कर ले रही हूँ। और पहले ना मैं सुबह इस टाइम पे रूम सब सारा ठीक करती थी मेरी बेटी का उठने से पहले, तो मुझको टेंशन लगा रहता था कि मेरी बेटी उठ के तो अभी जस का तस कर देगी बोल के। बट अभी बेचारी मेरी बेटी के पास भी टाइम नहीं है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट 9 बजे से उठ के ही उसको फ्रेश होने होते हैं। उसका क्लास मैंने 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो उसको फटाफट से कर रेडी करो। फिर मैंने बच्ची भी बच्चे लोग भी ना एकदम चिड़ से हो गए। उसका डेली डेली एक ही रूटीन, ऑनलाइन क्लास में बैठा दो लोग को, एक तो समझ में आता नहीं है क्या हो रहा है हम लोगों के साथ बोल के। बस करे यार कोरोना। एक तो लगा था कि एक टाइम तक कि कोरोना अभी बस चला जा रहा है, कोई डर नहीं कोई भाई नहीं, बट अभी तो जो हालत है मैंने पूरा इंडिया का पूरा राज्य में जिसे कोरोना बढ़ रहा है, फिर से टेंशन लग गया है यार। ज़्यादातर तो बच्चा लोग के लिए, ज़्यादा बच्चे हो बूढ़े हो सबके लिए अभी टेंशन है कब जाएगा यार कोरोना, और कब बच्चे लोग भी स्कूल जाएंगे, कब हम लोग अपना सारा मैंने खुल के ज़िंदगी जिएंगे। अभी सारा चीज़ बस करो, बस हो जाए जैसे लग रहा है अभी, और नहीं सहा जा रहा है यार। और आप लोग भी अपने अपना घरों का ध्यान रखिए, विशेषकर बच्चा लोग को जो एज हो गए हैं उन लोग को भी ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाइए। क्या करें अभी जिस सिचुएशन में, अपने आप को खुद को ही संभालना है। और कल ना मैंने राजस्थान का जो हालत था, मैंने ऑक्सीजन के चलते बहुत मरीजों की जान चली गई। मैंने कल न्यूज़ में देख के ना सुबह से मैंने इतना हेडेक हो रहा है कि मैंने क्या हो रहा है दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या हम लोग के साथ भी कब क्या हो जाए, टेंशन लगा है यार। आज सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा है मुझको, तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। खैर क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने घरों घर के लोगों का ध्यान रखिए। और यहाँ का सोफा का कवर वगैरह भी मैं सारा चेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो के गंदा हो रखा है जैसे लग रहा था, रूम बंद 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 था तो सोफा का कवर वगैरह सारा चेंज कर लूँगी। अच्छा ये काम करते रहूँगी तो दिमाग में टेंशन नहीं आएगा ज़्यादा। और आज मैं जल्दी उठी हूँ, 5 बजे करीब उठ गई हूँ, लेकिन से भी मेरा काम ख़त्म नहीं हो रहा है जैसे लग रहा है, क्योंकि आज उल्टा पल्टा ख्याल आ रहा है मन में। तो मैंने काम करने का मन नहीं है, तो एक ही तो काम को मैंने छू छू के फिर उसी में एक तो काम को छू रही हूँ, फिर दूसरा को मैंने छोड़ के दूसरा को पकड़ रही हूँ। उस टाइप से हो रहा है मेरे साथ आज, इसीलिए आज इतना टाइम हो गया, 7 बजने को है मेरा। साफ झाड़ू उड़ू अभी तक हो ही रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आज मन अच्छा नहीं है तो काम भी मेरा सब लेट ही हो रहा है। और यहाँ मेरा झाड़ू झाड़ू वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बाहर का झाड़ू करने के बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि किचन का कुछ भी काम नहीं हुआ है और टाइम भी हो जा रहा है, मेरी बेटी को भी उठाना है, तो मैं फटाफट से झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। बरिंदा को ना सुबह ही झाड़ू कर ली थी, घर का अंदर का साफ करने से पहले, साफ सफाई होने से पहले मैं पहले बरिंदा को ही साफ कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरे वाले भैया आए थे 6:30 करीब, तो मैं बरिंदा को झाड़ू कर ली थी। लेकिन अभी इतना धूल मैंने तेज हवा चलती है तो धूल मिट्टी फिर से आ गया है, तो हमको फिर से झाड़ू करना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, प्रार्थना करने के बाद मैं फिर मेरी बेटी को उठाने चाहूँगी, क्योंकि 8 बज गया है और मेरी बेटी को उठ के फ्रेश होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा देर। मैंने हर एक बच्चे लोग का ही वही है मुझको लगता है, हर एक पेरेंट्स का भी ऑनलाइन क्लास सब चल रहा है, तो मुझको लग रहा है कि वही दिक्कत है हर एक पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे लोग उठ के फिर
मैंने डेली डेली वो लोग भी चीड़ से हो गए हैं यार, इसलिए नहीं करने मानते हैं। अभी बज रहे करीब 7:30 और मेरा साफ सफाई का काम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझको आज सब्जी सब ज़्यादा ज़्यादा करके बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग की दीदी लोग में हम लोग की दीदी की बेटी हॉस्पिटल में है, तो हमको खाना पहुँचाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा बना रही हूँ। और अभी फटाफट से खाना बना लूँगी और हॉस्पिटल जाना है। राजीव ऑनलाइन क्लासेस यूँ करा लेंगे और मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी खाना लेके। 11 बजे तक, अब 10:30 बजे तक करीब निकल जाऊँगी। यहाँ पे मेरा दूध भी हो गया है, बना लेने के बाद गर्म हो गया। चाय के लिए पानी बिठा दी और ये वाला सब्जी। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि कोरोना कोरोना करके हम लोग का पास्ता बहुत ही बंद हो गया था। मैंने बहुत टाइम के बाद हम लोग पास्ता बना रहे हैं घर में, मैं बना रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। और मेरी बेटी को भी हम लोग ज़्यादा पास्ता वगैरह नहीं देते हैं, तो नहीं बनाती हूँ। महीना में कभी कभार होता है एक बार, बट ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर का ही खाना खिलाऊँ मेरी बेटी को। और यहाँ पे नहीं खा रही है मेरी बेटी, पास्ता नहीं मान रही खाने के लिए। अच्छा ही है, राजीव बोल रहे हैं कि बच्चा पास्ता ये सब नहीं खा रहे, नहीं खा रहा है, नहीं खा रही है, तो अच्छा ही है, दूसरा कुछ बना दो बोल के। फिर भी जितना खाएगी तो खाएगी, उसको मन नहीं है खाने के लिए, तो वो नहीं खा रही है, तो मैं उसके लिए दूसरा कुछ बना दूंगी अभी। नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ किचन में और मेरी बेटी पास्ता नहीं खाई थी, तो मैं उसके लिए पोहा बना दी थी और खा के वो ऑनलाइन क्लास में बैठ गए हैं। तो मैं यहाँ पे राजीव मछली ला दिए थे सुबह बाजार जाके, तो मैं इसको हल्दी और नमक डाल के रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए, उसके बाद फ्राई कर लूँगी। और साथ साथ मैं यहाँ पे करेला का भाजा और करेला और आलू का भी भाजा बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझको हॉस्पिटल कम से कम 4 जन, 3 से 4 जन का खाना पहुँचाना है, तो मैं उसी हिसाब से बना ले रही हूँ खाना। और मुझको ना आजकल हम लोग ऐसे तो कम फैमिली रहते हैं और कम कम सा ही खाना बनता है घर में, इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनता है, तो ज़्यादा खाना में ना समझ में नहीं आता है मुझको। मैंने टेंशन लगा रहता है कि इसे बनेगा नहीं बनेगा बोल के, और अंदाज नहीं होता है मुझको कितना पोर्शन में कितना डालना है, क्या बनाना है। तो मैं अभी जो जैसे बनेगा अभी बनाना तो पड़ेगा ही, तो मैं बना ले रही हूँ। फूलगोभी आलू का सब्जी मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरा राइस भी चावल भी बन गया है, अभी जस्ट मैं करेला का भाजी हो जाए और ये मछली को ग्रेवी बना लूँगी। और मैं भी इसका वीडियो सब शूट नहीं कर पाई थी, मैं या हॉस्पिटल सब गई उसको मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि खाना सब इतना पकड़ के जाना पड़ा था, तो मेरा हाथ में कैमरा फ़ोन लेके मैं नहीं कर पाई वीडियो शूट। अभी मैं दोपहर का कम से कम बज रहा है 2 और मेरी बेटी को खाना खिला रही हूँ यहाँ पे। मेरी बेटी खाना खाने के बाद वो सो जाएगी, उसको सुला दूंगी मैं, क्योंकि बाद में ट्यूशन जाना है फिर। और राजीव ऑनलाइन क्लास कराने के बाद वो ड्यूटी के लिए निकल गए थे, मेरी बेटी को इबू को एक्चुअली आंटी के घर में छोड़ के गए थे, क्योंकि मैं बोल के गई थी लेट होने से आंटी के घर में छोड़ के जाना। हॉस्पिटल तो मैं नहीं घुसी, दीदी लोग जहाँ पे रेंट में रूम लिया है वहाँ पे मैं खाना सबको मैंने पहुँचा के खाए, फिर मैं टिफिन वगैरह लेके आई, तो लेट हो गया था। तो मेरी बेटी तब तक आंटी लोग के घर में थी और आके मैं उसको नहला धोया सारा चीज़ कर ली हूँ, और चेंज वेंज करने के बाद मैं उसको खाना ही खिला रही हूँ मैंने डायरेक्ट। वो खुद से खा लेती है पर लेट हो गया है, आज उसको भूख भी लगी होगी बोल के मैं अपने हाथ से खिला दे रही हूँ उसको। कैसे आप सब लोग? और अभी शाम के बज रहे हैं करीब 7:30 हो रहा है और मैं अभी खाना बना रही हूँ रात का डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ चिकन, क्योंकि राजीव को भी चिकन खाने मन किया था, तो ड्यूटी से आते वक्त लेके आई चिकन। तो मैं अभी हम लोग का प्रार्थना वगैरह हो गया शाम का प्रार्थना, और मैं चिकन बनाने के लिए किचन में आई हूँ। अब मेरी बेटी के लिए भी मैं ये चिकन को यहाँ से अच्छे से फ्राई करने के बाद कुकर में सीटी लगा लूँगी, मैंने लेग पीस वो खाती है। उसके बाद रोटी बना लूँगी और अधिक से थोड़ा चावल भी लूँगी, तो मैं उसके लिए भात भी बनाऊँगी और तो भिंडी का भाजा कर लूँगी। ठीक है, खाना बनाते बनाते फिर आप लोग से मिलती हूँ। फिर भी ना मुझको 2 टाइम खाना बनाना पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि हॉस्पिटल में खाना जा रहा है इसीलिए, नहीं तो मैं 1 टाइम खाना बना ले रही थी। मैंने सुबह नाश्ता के बाद सब्जी सब दोपहर के लिए ज़्यादा ही करके बना रही थी दोपहर में, और रात के लिए हो जा रहा था। बट अभी दीदी लोग भी बाहर है तो कोरोना सब इतना है, तो मुझको लग रहा है कि खाना सब तो कम से कम घर का खा ले तो थोड़ा भी सेफ रहेंगे वो लोग बोल के मैं घर से खाना पहुँचा दे रही हूँ।
यहाँ पे चिकन बनाते बनाते राजीव अपना हॉस्टल का कुछ शेयर कर रहे थे, तो मुझको उसी पर बड़ा हंसी आ रहा था लाइट जाने से, कैसे वो लोग क्या कर रहे थे मैंने खाना खाने टाइम में, तो उसी को मैं हंस रही। हेलो एवरीवन, अभी शाम के बज रहे 7:30 और यहाँ पे राजीव मास्टर कर रहे हैं कुकिंग, क्योंकि उसको अभी कुकिंग तो जस्ट क्या बोलते हैं कल्छी हिला रहे हैं, उसको जस्ट बोल रहे हैं कि कुकिंग कर रहा हूँ, हेल्पर का काम मसाला पीसना सब चीज़ हम करेंगे, वो खाली चलाएगा, उसके लिए बोलेगा सारा क्रेडिट खुद लेगा, बोलेगा मैंने बनाया है, उसलिए नहीं चाहिए आप जाओ मैं बनाऊंगी खुद से, ठीक है। आपको ये वाला नहीं करना पड़ेगा, आप जाके भिंडी काट दीजिए प्लीज, जो 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 इतना इतना भी एकदम अच्छा मत दिखाओ ठीक है वीडियो में। अभी ना मैं वीडियो ऑन की हूँ तो इसको पता है, इसलिए इतना गुड बॉय बन के इतना गुड आदमी बन के मेरे से व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो अभी 10 तो बात सुना ही देता मुझको। लीजिए जाइए काटिए भिंडी। और मैं भिंडी दिखा दे रही हूँ यहाँ पे राजीव के लिए, राजीव को कि इबू के लिए मैं किस टाइप से बनाती हूँ, क्योंकि मैं कभी घर में नहीं रहती हूँ या बाहर जाना पड़ता है, तो इबू के लिए बना देते हो खाना, एक्चुअली वो खाना वगैरह सब कुछ बना ही देते हैं वो, और पहले संडे का खाना भी वही बना रहे थे, बट अभी क्या होता है ना हम लोग दोनों जन घर में रहते हैं तो इबू के लिए भी टाइम देना पड़ता है, वो भी बड़ी हो गई तो उसके साथ खेलना पड़ता है एक जन को, तो ज़्यादातर टाइम वो घर में रहने से इबू के लिए टाइम देते हैं, तो इसलिए मैं खाना वगैरह आजकल मैं ज़्यादातर बनाती हूँ एक्चुअली, और मैंने आदमी लोग बनाते हैं ना तो फैला देते हैं जैसे लगता है किचन ज़्यादा ही, तो मुझको इसलिए मैं आजकल जब फ्री होती हूँ तभी बोलती हूँ कि बनाइए, नहीं तो आजकल इतना डेली हर एक काम हम लोग का रूटीन में होता है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आजकल खाना ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ बोल के। और यहाँ पे मैं चिकन इबू के लिए निकाल ले रही हूँ, उसको कुकर में सीटी लगा लूँगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगा, छोटा सा मेरा परिवार और मेरा डेली रूटीन का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तो और अपना मैं अपने प्रार्थना में आप सबों को याद करूँगी, अच्छा से रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।